नमस्कार दोस्तों, करियर टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर टच। जो दूसरा सेम चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक में टॉपर कैसे बने, या इन तरीकों को अपनाओ तो पॉलिटेक्निक में टॉपर बन जाओ। बेसिकली इस पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखो, पॉलिटेक्निक जब हम करने जाते हैं तो कुछ लोग टेंथ के बाद पॉलिटेक्निक करने जाते हैं, कुछ लोग ट्वेल्थ के बाद पॉलिटेक्निक करने जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद भी पॉलिटेक्निक करने जाते हैं। तो वो डिपेंड करता पर्सन टू पर्सन एंड नॉलेज टू नॉलेज। चलिए मैं बता देता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि पॉलिटेक्निक में अगर आपने ग्रेजुएशन करके गया तो वो बंदा टॉपर बनेगा। कभी ऐसा नहीं होता है, और वो बंदा किसी तरह पास हो जाता है। मैं बता दूं, रियलिटी बता रहा हूं, ग्रेजुएशन करके अगर बंदा गया ना, किसी तरह पास कर जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा मतलब उसको बस ऐसे ही है। टेंथ करके गए और ट्वेल्थ करके गए हो, वो बंदे बहुत जेन्युइन बंदे होते हैं। अब अगर आप टेंथ और ट्वेल्थ करके पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं टेंथ को हमेशा सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट अगर आपने एडमिशन ले लिया तो मैं बताता हूँ कि कैसे टॉपर बन सकते हो। देखो, अगर आपको पॉलिटेक्निक में टॉपर बनना, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी मतलब एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा आपको कि इतने घंटे हम फिजिक्स पढ़ेंगे, इतने देर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इतने देर मैथ पढ़ेंगे, इतने देर अपने इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने देर मैकेनिकल के पढ़ेंगे, इतने देर सिविल के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जो भी फर्स्ट ईयर में आपके कॉमन होते हैं मैक्सिमम सारे लोगों के, तो वो मतलब डिसाइड करना पड़ेगा कि इतना इतना टाइम पीरियड आपको सब सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। सब सब्जेक्ट को टाइम दे दो, उसके बाद खेलना फेलना जो भी हो आप कर सकते हो, खेलने कूदने में कोई इशू नहीं है। बट उसके बाद जो आपको डिसाइड करना है वो है अपना टाइम, कि टाइम में आपने तैयारी तो कर ली है बट उसको रिवीजन करना। रिवीजन के लिए बेसिकली आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो नोट बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नोट बना के आप पढ़ाई करोगे, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उसका नोट बनाओ, क्योंकि नोट बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे गाथा इतनी लंबी लंबी बुक में लिखी रहती है जो आपको समझ में नहीं आता है। तो चलो, कुछ चीजें समझ में आ जाती है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, तो वहां पे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मैं बता दूं कि केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हो गए, मैथ के न्यूमेरिकल्स हो गए, उसको प्रैक्टिकली आपको रिवीजन करना पड़ेगा, एक बार दो बार तीन बार, जितना टाइम आप रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा। क्योंकि देखो, एग्जाम में तैयारी सब लोग पूरा बुक पढ़ के जाते हैं, बट टॉपर कोई एक ही इंसान बनता है। वो इंसान टॉपर बनता है जो उन 3 घंटों में, जो एग्जाम होता है 3 घंटे का, उस 3 घंटे में सबसे अच्छा आंसर लिख देता, वही टॉपर बनता। मैं भी बीटेक में टॉपर था, 4 साल कंटिन्यू टॉपर था, सॉरी 3 साल कंटिन्यू टॉपर था, फर्स्ट ईयर को छोड़ के 3 साल लगातार 6 सेमेस्टर में मैं टॉपर था, कभी पीछे नहीं हुआ किसी से। तो वो एक प्राउड मोमेंट अपने आप में होता है, और उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। रेडी इन द सेंस कि आपको तैयार रहना पड़ेगा पहले से, कि अभी भी बहुत टाइम नहीं हुआ आपका, सेमेस्टर एग्जाम जब भी होने वाला दिसंबर जनवरी, अभी भी आप लग जाओगे शुरू से कि नहीं यार मुझे लगना है, तो लग करके एकदम एट द एंड एक अच्छा सा रिजल्ट दे जाओगे तो टॉपर जरूर बन जाओगे। और टॉपर बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप रट्टा मार के आप कभी टॉपर नहीं बन सकते। रटना छोड़ दो आप, अगर आप रटते हो ना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को थोड़ा इशू होते हैं, सबको होता है, मेरे को भी होता है, और टॉपर बनना है तो हमेशा वो पेशेंस और वो माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा टॉपरों वाली, कि नहीं यार जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के आंसर देना है, सोच समझ के चीजें काम करनी है, तभी जाके आप पॉलिटेक्निक में टॉपर बन पाओगे। अदरवाइज आप किसी तरह से पास हो जाओ तो भी बहुत। अभी देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने बता दिया, मैक्सिमम गवर्नमेंट सेक्टर 65% लगा दिया कि 65% से जिनके मार्क्स कम है वो अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में, तो वो एग्रीगेट लिया जाता है कुछ परसेंट आपको। आई थिंक हमारे बीटेक में 25, 50, 75 और 100 लिया जाता था, पॉलिटेक्निक में ऐसे शायद 50, 75 और 100 ऐसे कुछ है। तो वो जो रेशियो है ना, उसको बरकरार करने के लिए आपको मेहनत तो करने की जरूरत है। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं यार चलो फर्स्ट ईयर में कम नंबर आ गए, अब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मेंटेन कर लोगे। ठीक है, आप मेंटेन कर लोगे, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जो फर्स्ट ईयर से सीख करके आपको आगे लेके जाती है, तो वो चीजें समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर ये तरीका आप अपना लोगे तो ऑब्वियसली पॉलिटेक्निक में टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।